कैंप थाना पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह द्वारा एक पुलिसकर्मी को अपने जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बना लाखों रुपए की मांग करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के चार सदस्यों को काबू किया है। दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर आरोपियों द्वारा पुलिसकर्मी से हजारों रुपए और वैगनआर का गाड़ी भी ली गई। हैरत की बात यह है कि पुलिस जांच में इस गिरोह में कुछ पुलिसकर्मियों के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। इससे पहले भी गिरोह द्वारा अन्य लोगों को शिकार बनाने के मामले सामने आ चुके हैं। हनी ट्रैप गिरोह की महिला सदस्यों द्वारा करीब 6 माह पहले डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया गया। मौके पर पहुंचे ईएसआई होशियार सिंह को नगमा और प्रीति नामक महिला की आपातकालीन स्थिति में मदद के बाद फोन नंबर का आदान प्रदान हुआ और यह सिलसिला हनी ट्रैप पर जाकर खत्म हुआ। आरोप है कि महिलाओं ने पुलिसकर्मी के अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हजारों रुपए और पुलिसकर्मी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वैगनआर गाड़ी की वसूली के बाद जब पीड़ित से 20 लाख रुपए की मांग की तब उसने कैंप थाने में अपनी शिकायत दी। पलवल डीएसपी मुख्यालय शाकिर हुसैन ने बताया कि मामले में ईएसआई होशियार सिंह ने पुलिस को शिकायत दी है कि नवंबर 2022 में वह डायल 112 की गाड़ी पर तैनात था। उसी दौरान रात को चंडीगढ़ मुख्यालय से मिले आदेश के बाद वह अलीगढ़ रोड पर नगीना उर्फ नगमा नामक महिला की गाड़ी खराब होने को लेकर मदद के लिए मौके पर पहुंच गया। मौके पर उन्हें दो महिलाएं नगीना उर्फ नगमा व प्रीति मिली। इन महिलाओं ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिसकर्मी को ही जाल में फंसा डाला। पुलिसकर्मी की शिकायत पर दर्ज मामले को लेकर हनी ट्रैप के इस गिरोह में शामिल महिला आरोपी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर निवासी नगीना उर्फ नगमा को गिरफ्तार कर पीड़ित की गाड़ी वैगनआर को भी बरामद किया गया। इस गिरोह में शामिल दूसरी महिला आरोपी राजस्थान के भरतपुर निवासी इंदिरा पत्नी स्वर्गीय भूप सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मोबाइल तथा 17,000 रुपए बरामद हुए। तीसरी आरोपी महिला प्रीति पत्नी ओम प्रकाश की निशानदेही पर अमित को पलवल के गांव रूपड़ा का घर से गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से मोबाइल 2,000 रुपए, एक सोने का लॉकेट, दो अंगूठी चांदी, दो चुटकी, एक जोड़ी पाजेब बरामद की गई। बरामद सोना चांदी जेवरात आरोपियों द्वारा जयपुर निवासी किसी व्यक्ति के साथ हनी ट्रैप मामले में फंसाकर ठगने पाए गए। पुलिस जांच में कुछ पुलिसकर्मियों के नाम भी इस रैकेट से जुड़े होने में सामने आए हैं, जिनके बारे में भी गहनता से जांच की जा रही है। वारदात में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा ये गिरोह राजस्थान में लोगों की शादी कराने के नाम पर भी उनके साथ लाखों रुपए की ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। जो इस संबंध में जैसे ही 22 तारीख को थाना कैंप में ईएसआई होशियार सिंह ने कंप्लेन की कि मैं नवंबर में डायल 112 पर तैनात था, उस रोज रात के समय में चंडीगढ़ हेडक्वार्टर से एक मैसेज आया कि अलीगढ़ रोड पर एक गाड़ी में दो लेडीज वहाँ खड़ी हैं और उनको कोई परेशानी है। तो इस संबंध में जब मैं वहाँ गया तो वहाँ उस गाड़ी की सीएनजी वगैरह ख़त्म हुई पड़ी थी, तो अपना होशियार सिंह उस गाड़ी को और उनको लेकर पेट्रोल पंप पे आए और उन्होंने सीएनजी वगैरह डलवाई। सीएनजी डलवाने के बाद उनके पास सीएनजी के लिए लेडीज़ों के नगमा और प्रीति नाम की दो लेडीज़ थी जिनके पास सीएनजी के लिए पैसे नहीं थे, तो अपनी गाड़ी को वो पेट्रोल पंप पे ही छोड़कर तो ये कहकर चले गए कि ठीक है हम पैसे दे जाएंगे, गाड़ी ले जाएंगे। तो दो तीन रोज बाद उन नगमा का फ़ोन आता है अपने होशियार सिंह ईएसआई के पास और उससे वो बर्गलर और ये अश्लील बातें करती है, जो इस संबंध में उसने रिकॉर्डिंग कर लेती है उसकी बातों का। तो उसके बाद वो उसको कुछ दिन बाद ब्लैकमेल करने लग जाती है कि भाई ये है, तो उस संबंध में उससे 10-12 हज़ार रुपये नगमा ले जाती है। और एक दिन उनका फ़ोन आता है ईएसआई होशियार के पास कि आप कहाँ हो, तो उन्होंने बताया कि अमरपुर हूँ मैं, तो वहाँ वो अमरपुर पहुँच जाती हैं और उसको उसकी गाड़ी में बैठा कर चल देती हैं कि भाई हमको छोड़ो। तो वहाँ गाड़ी में रखी हुई दारू वगैरह पीते हैं, कुछ नशीली और भी चीज़ें डालकर उस ईएसआई होशियार को भी पिला देती हैं, जिससे वो भी काफ़ी उससे बेसुद्धि की हालत में हो जाता है और यहाँ कैंप कॉलोनी में के एरिया में एक मकान में लेकर आ जाती है, जहाँ ऑलरेडी इंदिरा नाम की एक लेडीज़ वहाँ मिली और आदमी थे एक दो वहाँ, तो वहाँ उसकी अश्लील वीडियो वगैरह बना लेते हैं कमरे में बंद करके नंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद उससे गाड़ी ले लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं और कह देते हैं कि भाई अब आप 20 लाख रुपए दो वरना आपके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसके बाद वो ईएसआई काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब क्योंकि वो बेहोशी की हालत में था, उसके बाद लगातार सोच के परेशान, तो
एक दिन उसके पास फिर फोन आता है इधर से कि सीएम विंडो की कोई कंप्लेंट लगी है उसके संबंध में और कि भाई इन्होंने कि भाई कोई दुष्कर्म के बारे में, तो ये सुनकर वो सीधा 22 मई को अपने थाने में आ जाता है, कैंप थाने में, कि मेरे साथ दोबारा पैसे नहीं देता बीच में, दोबारा कोई पैसे नहीं देते, उसकी गाड़ी वगैरह वो ले ही जाती है उसकी। तो जब थाने में आता तो उसने इस बारे में सारा अपना बताया। बताने के बाद जैसे ही थाना प्रभारी के संज्ञान में मामला आने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद श्री एसपी श्री लोकेंद्र सिंह के निर्देश अनुसार एक इसमें टीम गठित की गई कि इसमें किसी भी आरोपी को जो बक्सा ना जाए। तो इस संबंध में सबसे पहले नगमा जो गौतम बुद्ध नगर की रहने वाली थी जेवर की, उसको अरेस्ट किया इसमें और उसके घर से एक वैगनार गाड़ी को बरामद किया। उसके बाद दूसरी जो इंदिरा नाम की, उसको अरेस्ट किया इसमें और उससे भी पूछताछ की गई। तीसरी महिला प्रीति को भी इसमें अरेस्ट किया गया, जो उससे भी काफ़ी रिकवरी वगैरह इनसे की है और फ़ोन वगैरह जो यूज करते थे वो सारे रिकवरी वगैरह की हैं। और चौथा आरोपी जो अमित नाम का था रूपरागे गांव का, उसको भी इसमें अभी अरेस्ट किया, जो पुलिस रिमांड पर है, आज उसको पेश किया जाएगा। जो इस संबंध में काफ़ी खुलासे हुए हैं। कितने पैसे मांगे थे दोबारा में? 20 लाख रुपए। और पुलिसकर्मियों की कैसे क्या भूमिका है इसमें? इसमें कुछ आ रहे हैं पुलिसकर्मियों के नाम, जो इस संबंध में उनके बारे में भी जांच चल रही है, जैसे भी होगा आपको बता दिया। डीएसपी साहब, इन्होंने हनी ट्रैप के और कितने मामले को सामने आए हैं कि जोरण किया और लोगों के साथ भी? इन्होंने काफ़ी मामले किए हैं, जो क्योंकि इसमें 8-10 लेडीज हैं, 8-10 जेंट्स हैं, काफ़ी बड़ा ग्रोह है, जो शादियाँ शादी पैसे ठगते हैं। जो हमारे ऑन रिकॉर्ड 2 मामले राजस्थान के आए हैं, नीम का थाने के एरिया का, जयपुर से। तो लेकिन इस संबंध में वारदात तो काफ़ी कर रखी है, क्योंकि शर्म कमारे लोग ऐसी अपने लोकलाज की वजह से कंप्लेंट नहीं करते। शादी करके किस तरह से पैसे ऐंठते थे? शादी करने के बाद उसको पहले तो शादी कराने के नाम पे जो ये 10-15-20 जो ये मेंबर आपस में बने हुए कोई माँ बाप भाई आपस में बन जाते हैं, पहले तो शादी कराने के नाम के पैसे लेते हैं, उसके बाद जो जेवर वगैरह जो कराते हैं उसके बाद वो उस तरीके से ठग लेते हैं।